सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल टूल्स इन्फो 1232 पर। दोस्तों लगातार हम आपके लिए नए नए टूल्स लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस प्रकार हमारे व्यूअर्स है और उनकी डिमांड है उसको लेकर आज हम यहाँ पर लेकर आए एक बहुत ही, तो दोस्तों यहाँ पर 0.8 हॉर्स पावर और 24 लीटर का एक कॉम्पैक्ट कंप्रेसर यहाँ पर लेकर आए, और न्यूमेटिक सीरीज़ की पूरी टॉर्क रेंज और उसके लिए जो लगने वाले सॉकेट है 500 न्यूटन मीटर टॉर्क से लेकर 1100 न्यूटन मीटर टॉर्क वाले बहुत ही बढ़िया हम यहाँ पर टूल्स लेकर आए हैं। उसके साथ डाई ग्राइंडर और अलग अलग जो भी न्यूमेटिक रिबिट गन और बाकी सारे टूल्स जो गैरेज और अदर टेक्नीशियन के काम आने वाले, वो सारे टूल्स हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रदान करेगा, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो सारे व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो 24 आवर्स आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मगर आप किसी भी क्वेरी के लिए कॉल करते हैं तो उसके लिए सुबह 10 से लेकर शाम में 5 बजे तक आपका कॉल लिया जाएगा, और बाकी के वक्त में हम फ़ोन नहीं ले पाएंगे, तो प्लीज़ आप ऑफिशियल जो टाइम है उसका ख्याल रखें। धन्यवाद। किमन भाई, और एक ये हम लेके आए, ये इम्पैक्ट रेंज है, न्यूमेटिक इम्पैक्ट रेंज, और ये बहुत ही छोटे था, एकदम स्मॉल साइज में है। अभी सबके पास सब लेंथ बड़ा रहता है जिसका तपता, लेकिन वो वेट हैवी रहता है, ये स्पेशल टू व्हीलर और फोर व्हीलर के गैरेज वाले के लिए बराबर, ठीक है। ये एकदम मिनी साइज है, आप देख सकते हैं, कम से कम 4 इंच का होगा ये, और एकदम लाइट है, लाइट वेट है, मैं 2 उंगली तो चलता हूँ बराबर, ठीक है। और ये अभी मैं इसको भी चालू करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसका साउंड देख सुनिए आप, यहाँ से राइट लेफ्ट होगा, ये अच्छा राइट लेफ्ट, ओके। कितना टॉर्क जनरेट करेगा ये? 550 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करेगा, ओके। और ये हेवी ड्यूटी है। अच्छा, ये आगे आधे का एक का है क्या? आधे के सॉकेट लग जाएंगे, सॉकेट लगेगा, सब रनिंग जो आता है ना 1-2 वाला, ये वाला सब रनिंग लगेगा आधे का बराबर, ठीक है। अभी इसी तरह अभी हम ये और एक आइटम, ये न्यूमेटिक रेचर, इसका बहुत डिमांड है हमारे पास। अच्छा, ये न्यूमेटिक रेचर बोलते हैं, ये न्यूमेटिक रेचर है, ये जो नॉर्मल रेचर तो सब जगह मिलता है, लेकिन न्यूमेटिक है, एयर से चलेगा। अभी किसी की जगह पे जगह कम रहता है, अभी यहाँ पे आपको बोल्ट खोलना है तो वहाँ पे अपना गन नहीं जाएगा, ये वाला यहाँ पे ये जाके यूज होगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे सॉकेट लगेगा, यहाँ पे ये सॉकेट लग गया, इसको भी मैं चालू करके दिखा देता हूँ आपको, पुश कर देना है सिर्फ जी, इसको मैं चालू करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट होगा, इसको ऐसे मैं कर दूंगा तभी लेफ्ट घूम जाएगा, बढ़िया। और ये भी 1-2 का है बराबर, जो रनिंग सब जगह बॉक्स पाना मिल जाएगा आपको बराबर, ठीक है। ये न्यूमेटिक रेचर है बराबर, और ये सबसे हेवी ड्यूटी आइटम है। और कंपनी कौन सी इसकी? ब्रांड को कंपनी, इनको कंपनी को गारंटी वारंटी भी मिल जाएगी। हाँ जी, मिल जाएगा, बढ़िया आइटम है, ठीक है। अच्छा, और आपके पास से अगर खरीदते हैं तो पेमेंट कंडीशन क्या रहेगी? सर, पेमेंट कंडीशन में ऐसा है कि अभी हमने बीच में सीओडी वाला ऑप्शन चालू किया था, लेकिन सीओडी ऑप्शन में हमारे को सक्सेस नहीं किया, क्योंकि कितना पार्टी का हमारे माल जाता है यहाँ से, उनका फोन नहीं लगता, माल रिटर्न हो जाता, उसमें हमको बहुत ही लॉस किया, तब से हमने सीओडी वाला काम बंद कर दिया है। ये हमारा ट्रस्टेबल शॉप है 20 साल से बराबर, और ये हमारा ये अकाउंट है, ये किंग टून नाम का हमारा करंट अकाउंट है, आपको जीएसटी वाला सब बिल भी मिल जाएगा, और ये हमारे अकाउंट में पहले पेमेंट आएगा यहाँ पे, फिर हम उसके अंदर माल भेज देंगे, ओके, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया हम यहाँ पे माल भेजते हैं, लेकिन अभी कंडीशन से रहेगा कि आप गूगल पे करो, फोन पे करो, पेटीएम करो, या एनईएफटी करो, या आरटीजीएस करो, या नेट बैंकिंग करो, सब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप हमारे यहाँ गुड्स देख सकते हैं, और ये देख लो, और भी बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। अभी इसी तरह उसमें ये याटो कंपनी वाला गन, इसका भी एनएम ज्यादा है और हैवी ड्यूटी है, बराबर, ये 1-2 का ये भी, ठीक है, ये याटो कंपनी का है, हाफ इंच अभी का है। हाँ जी, अभी मैं आपको गन दिखा रहा हूँ, और भी न्यूमेटिक आइटम, हाँ ले इसको रख, हाँ ये स्पेशल मैक्यूल के लिए आता है, जो आपका मैक्यूल खराब नहीं करेगा, ये प्लास्टिक मटेरियल दिया हुआ है, इसमें ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, जो आपका रिंग खराब नहीं करेगा मैक्यूल, अभी 50,000 और लाख रुपए का मैक्यूल आता है बराबर, तो वो क्या रनिंग बॉक्स पानी से पूरा घिस जाता है, ये आपका रनिंग खराब नहीं करेगा, और ये डीप में चला भी जाएगा, इसके लिए इसको बढ़ा दिया है, तो ये स्पेशल अलाइनमेंट वाले के यहाँ पे यूज होता है, अलाइनमेंट गैरेज वाले का, ठीक है। ये 17, 19 और 21 तीन साइज आता है बराबर, रनिंग आइटम है, रनिंग आइटम, सबसे रनिंग आइटम बराबर, ठीक है। अभी मैं आपको गन दिखा रहा हूँ, अभी एक ये मॉडल है याटो कंपनी का, ये 550 न्यूटन मीटर वाला है, ये इम्पैक्ट रेंज, बिल्कुल फ्रेश पीस आपको खोल कर बता रहे हैं दोस्तों, फिनिश देख लीजिए, इस पे कोई कलर नहीं है, ग्रिपिंग देखिए एकदम कंफर्टेबल है, बहुत बढ़िया है, एकदम कंफर्टेबल ग्रिप है इसका,
ठीक है जी। ये 550 न्यूटन मीटर, इसी तरह ये है, ये 850 वाला मॉडल ना, मैंने 850 वाला मॉडल आता है, आटा का कंट्रोल बड़ा वाला हो रहा हो रहा और एक ये मॉडल ये 850 न्यूटन मीटर वाला है, उससे भी हैवी है। हाँ जी, उससे भी हैवी है, ठीक है। ये 850 न्यूटन मीटर वाला, ये भी सब गैरेज वाले में मिलता है, जो टू व्हीलर फोर व्हीलर सब में चलता है, ठीक है जी। और इसमें अब इसमें ना 1000 न्यूटन मीटर वाला भी है मेरे पास, सारे ये 1000 न्यूटन मीटर टॉर्क है और बहुत ही जबरदस्त इसका परफॉर्मेंस है दोस्तों। इसका ग्रेजुएशन देखिए क्या बनाया है, क्या फिनिश दिया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से राइट लेफ्ट हो गया, सिंगल बॉडी है इसकी बिल्कुल, ओके ओके लाइफ। और भी इनको देखिए हम लेके आए, ये रनिंग जो सस्ते वाला जिसको चाहिए ना, पूरा किट है हमारे पास, ये पूरा बॉक्स पहने गया, पूरा किट है, ठीक है। ये सस्ते वाला किट बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन भी दिया, एक्सटेंशन भी दिया है और ये न्यूमेटिक का एडेप्टर वगैरह सब आ जाएगा। अभी मैं इसमें आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ, इसमें आपको सबसे थोड़ा हेवी वाला क्वालिटी, ये बढ़िया क्वालिटी है, उसमें भी पूरा किट है। ये हल कंपनी का रहेगा, यहाँ से राइट लेफ्ट होगा, ये हल कंपनी का है, ठीक है। अभी पूरा किट आएगा, देख लीजिए आप, इसमें सब बॉक्स पुनः साथ में आएगा, फिल्टर आएगा, फिल्टर साथ में आएगा और ये बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। और एक ये एक उससे हेवी वाला जो कंटिन्यू जिसको पूरा दिन यूज करना है अलाइनमेंट में, इसको सबका रफ एंड टफ है, इसका 1100 न्यूटन मीटर होगा। ओहो, और काफी हेवी ड्यूटी है, ये बढ़िया है, हल्का है, ये भी हल कंपनी का, यहाँ पर फिल्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये भी पूरा किट है बराबर, ठीक है। हाफ में जी, हाफ इंच में ही है, सारा हाफ इंच का ही दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये भी एक लाइन कंपनी का, ये भी हेवी ड्यूटी है, ये भी पूरा किट है, देख लीजिए आप, ठीक है। ये यहाँ से इसके अंदर राइट लेफ्ट ऐसे होगा, 1 2 3 स्पीड वेरिएबल है, वो बराबर ताकत भी की न्यूटन मीटर सब ओके हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा किट दिया हुआ है, अभी ये तू इतना खाली दिखा रहा हूँ मैं, मेरे पास और भी 50 क्वालिटी का आइटम होगा, देख लीजिए आप वहाँ पे सामने रखा है मैंने। और एक ये वाला देख लीजिए, ये इनको कंपनी का है, ये मीडियम रेंज में मेरे को सबसे बेस्ट क्वालिटी इसका लगा, ले उसमें रख, सबसे बहुत बेचा है लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट नहीं है और सबसे बेस्ट क्वालिटी है मीडियम रेंज में बराबर। और इसके साथ 300 के साथ में आएगा बराबर, ठीक है। और इसका मैं गन दिखा दो आपको, मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट गन ये लगा है मीडियम रेंज में बराबर, ठीक है। हमने सब अलाइनमेंट वाले को दिया है, गैरेज वालों को दिया, लेकिन इसमें मेंटेनेंस नहीं है बराबर, बढ़िया गन है लगा है सबसे बेस्ट, और कोई कंप्लेंट नहीं आफ्टर सेलिंग जी। हमारे पास जो भी चीजें सब रिपेयरेबल है बराबर, और सबका पार्ट मिल जाएगा हमारे पास जी, ठीक है। लेकिन मीडियम रेंज में सबसे बढ़िया गन ये है, ठीक है। इसका जरा प्राइस बताएंगे आप? मैं प्राइस बता देता हूँ आपको, सबका मैं प्राइस देता हूँ, ओके। इंडिविजुअल सबका प्राइस वीडियो के एंड तक में मिल जाएगा दोस्तों, वीडियो में आप बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और न्यूमेटिक सीरीज के अंदर काफी मेरे ख्याल से यूट्यूब के ऊपर सबसे बड़ी रेंज का ये वीडियो रहेगा दोस्तों। और एक आइटम लेके हम, ये ड्रिल मशीन है, ये न्यूमेटिक ड्रिल मशीन, आपने इलेक्ट्रिक देखा होगा, अभी तक कोर्डलेस देखा होगा, लेकिन न्यूमेटिक का अभी तक किसी ने नहीं बताया बराबर। ये न्यूमेटिक जो है एयर से चलेगा, इसके अंदर आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि इसके अंदर ना आर्मेचर आता है ना फिल कोइल आता है, इसको लाइफ टाइम यूज करो बराबर, इसके अंदर मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। न्यूमेटिक जो हवा से चलता है उसके अंदर मेंटेनेंस बहुत ही कम आता है, यानी अगर आपने एक कॉम्प्रेसर ले लिया है तो कॉम्प्रेसर की पूरी रेंज आज हम आपको बता रहे हैं कि एक कॉम्प्रेसर में आपके मल्टीपल कितने काम हो पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे 13 एम का चक लगा हुआ है और यहाँ से राइट लेफ्ट भी होगा, आपको और एक बेनिफिट मिलेगा, ये राइट लेफ्ट भी होगा, ठीक है। मैंने खुद ने ये आइटम फर्स्ट टाइम देखी है, फिजल भाई, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये राइट लेफ्ट होगा आपका, पानी अगर फंस गया तो आप उसको निकाल भी सकते हो राइट, ठीक है सर जी। ये ड्रिल मशीन दिखा दिया मैं आपको, 13 एम 13 एम न्यूमेटिक होने की वजह से आप इसका पावर तो दोस्तों सोच ही सकते हैं कितना पावरफुल रहेगा न्यूमेटिक में। और एक ये आइटम आपने अभी तक कोर्डलेस देखा, इलेक्ट्रिक देखा, न्यूमेटिक देख लो आप, ये भी एयर से चलेगा सर,
एयर से चलेगा, एकदम हैंडी दिया हुआ है बराबर, एकदम लाइट वेट बराबर, इसमें 4 इंच का ब्लेड लगा सकते हो और आप रफ एंड टफ यूज कर सकते हो बराबर, इसमें आपको कभी आर्मी से फील का कभी शिकायत नहीं आएगा। दोस्तों जिन लोगों के पूरी बड़ी वर्कशॉप है और जो अलग अलग कनेक्शन देके कंप्रेसर को इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने अगर ये आइटम्स ले ली तो उनका कंप्रेसर तो उनको आशीर्वाद जैसा लगेगा दोस्तों, सारी चीजें एक ही आइटम में आ जाएगी। ठीक है, ये ग्राइंडर दिखा दिया मैंने आपको, और अभी सबसे हॉट रनिंग आइटम ये देख लीजिए, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये भी न्यूमेटिक है, ये स्क्रू ड्राइवर स्क्रू खोलने के लिए। अभी तक मैंने आपको नट बोल्ट खोलने वाला दिखाया, अभी ये स्क्रू खोलने वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स, एक व्यूअर्स का कमेंट आया था कि आपका शॉप तो म्यूजियम की तरह है, तो देख लीजिए आप कितना वैरायटी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अभी ऐसे बीट लग गया, इसमें माइनस प्लस का बीट लगा के आप इसको खोल सकते हो, और आपका फिटिंग का काम है, आप फटाफट आप काम कर, बहुत हैंडी बनाया है, एकदम हैंडी बनाया हुआ है। कितना वजन होगा फैजल भाई इसका? ये होगा कम से कम तकरीबन 250 से 300 ग्राम होगा, बहुत ही लाइट है, बहुत लाइट है, और यहाँ से राइट लेफ्ट होगा ये। अच्छा, ये राइट लेफ्ट ऑप्शन दिया है, फुल फिटिंग का पूरा ऑप्शन है। ठीक है, ऑटो टोड़ के आपका बॉल खराब नहीं करेगा, क्या बात है, यानी अगर जर्क आएगा तो भी वो ले लेगा जी। ये अभी सुमेट कंपनी का, इसी तरह बस सारी कंपनी का मिल जाएगा बराबर। ठीक है, प्राइस रेंज आपको इसमें मिलेगी दोस्तों, सब में लाइट हैवी मिलेगा, सब में दिखा रहा हूँ प्राइस रेंज। अभी ये भी बहुत रनिंग आइटम है, डाई ग्राइंडर बोलते इसको जी, जो पंचर वाला जो पेच मारता ना, डाई ग्राइंडर जो टू प्रूफ घसता पेच मारने के लिए डाई ग्राइंडर आता है। हाँ, तो उनके पास तो कंप्रेसर होता ही है, उनके लिए सबसे बेस्ट, उनके लिए फिर फैब्रिकेशन में भी लगता है, कोई लोखंड वगैरह घटना हो बराबर। ठीक है, और जो बारीक काम करने के लिए अटैचमेंट भी दी हुई है सारी, किट है बहुत बढ़िया है, और इसी तरह आपको बिना किट में चाहिए तो ये थोड़ा हैवी की ड्यूटी क्वालिटी में भी हमारे पास, ये टेक्नो कंपनी का है। अच्छा, इसमें ये इंस्ट्रूमेंट मेन इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, भाई हैवी ड्यूटी है, बॉडी भी बढ़िया है, कलर अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, ये कम तकरीबन होगा 8 इंच जितना होगा। अच्छा अच्छा, और इसमें आपको एक ज्यादा डिमांड हमारे पास ये रहता है, बैंड में रहता है। अभी वो सब रनिंग मॉडल जो है ना, वो टायर के अंदर पेज मारते जब अंदर ज्यादा नहीं है, अभी ये छोटा सा इतना, और 90 डिग्री इसको दे दिया है, अब इसमें जाके आप इसे घिसाई कर दे, क्या बात है। ठीक है, एकदम ये बैंड वाला, यानी हर जगह पर ये इस्तेमाल हो पाएगा, इसको काम के हिसाब से हमारे पास आपको हर चीज का रेंज मिलेगा पूरा बराबर, जैसे डायर ग्राइंडर में भी पूरा रेंज है मेरे पास बराबर। ठीक है, आप देख पा रहे हो, देख लो ये पूरा बैंड एकदम हैंडी दिया हुआ है, ओके। अभी तक न्यूमेटिक में आपको जितने भी चीज दिखा ना, उनका अगर आपको 10 टाइम लाइफ करना है तो उसके लिए आपको ये FRL लगाना पड़ेगा जी। ये FRL आप एक बार लगा लोगे तो इसमें बेनिफिट ये होगा कि इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको जो कंप्रेसर से जो पानी आएगा ना, जो एयर हवा का जो पानी बनेगा वो यहाँ पे रुक जाएगा जी। ठीक है, यहाँ से आपने खींचा आपका पूरा पानी बाहर आ जाएगा, आपके यहाँ से सब पूरा फिल्टर होकर सब निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये दिया हुआ अपना, ये ऑयल के लिए दिया हुआ है बराबर जी। यहाँ पे जब उसको जितना भी जब न्यूमेटिक आइटम, वो लोग सबको ऑयल का जरूरत देता है बराबर, जब जब ऑयल खत्म होगा तो यहाँ से ऑयल उसको मिलता रहेगा, ये आपका कंप्रेसर के पास लग जाएगा, यहाँ से इनका आउट आएगा लाइन आएगा, और यहाँ से आउट का लाइन जाएगा, लाइफ बढ़ा देगा, और आपका 10 टाइप लाइफ बढ़ देगा बराबर बराबर, यानी आपको कंप्रेसर के लिए लग जाएगा, आपको जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर लो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ से आप माइनस प्लस करके, ऐसे आप माइनस प्लस करके आप प्रेशर लो कर सकते हैं बराबर। ये फॉरेन कंट्री में दोस्तों ये सब चीजें इस्तेमाल होती है, ये FRL बोलते हैं इसको, ओके। आज हम लेके आए इमरान भाई आप लोगों के लिए जो है ना, ये सब न्यूमेटिक टूल लेके आए हैं, ये न्यूमेटिक टूल जिसको काम में आने वाली चीज है, जो कंप्रेसर से चलने वाली है, जो कंप्रेसर से चलेगा न्यूमेटिक टूल। इसी तरह हम ये रिपीट गन लेके आए, इसका मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, दो एक रिपीट मार के दिखा दूँ, ये जो सेट का जो काम करता है, फिर जो फैब्रिकेशन का जितना लोग काम करते हैं, बारी सेक्शन विंडो सेक्शन, उन लोगों को सबको बहुत लगता है, वो लोग हाथ से रिपीट मारते हैं, उनके अंदर बहुत ही टाइम लग जाता है, उनको कम से कम 10 रिपीट मारने में 15-20 मिनट लग जाता है। अभी ये एक रिपीट मार के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अभी एक रिपीट यहाँ पे लगा दिया, इसको मैं चालू किया, ठीक है, अभी मैं इसको चालू किया है एक ही बार, और ये दूसरी बार में लग गया बहुत बढ़िया। और एक बार देख लीजिए, थोड़ा नजदीक आके दिखा दो, ये मैंने रिपीट लगाया, ठीक है, ये भी एक ही बार में ये किया, और एक बार में दूसरी बार में रिपीट लग गया, पूरा गोली की तरह गिर गया। हाँ, और एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, देख लो कितने इंच का रिपीट है, ये लगा दे, ये 3x1/2 का बताया जाता है, ठीक है, रिपीट मार रहा हूँ, देखो ये 1 और ये सेकंड में तो हो गया है, क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हैवी ड्यूटी है बराबर। इसी तरह ये रिपीट मार के दिखा दे, मैंने आपको रिपीट गन बोलते हैं इसका, रिपीट ये पॉप रिपीट में लगता है न्यूमेटिक बराबर, ये अगर आपको 100 रिपीट मारना है तो 2 मिनट में मार देगा, इतना फास्ट काम करेगा बराबर।
नंबर प्लेट का काम करने वाले जो लोग हैं, जो लिफ्ट की बॉडी बनती है, जो लिफ्ट की कैबिनेट बनती है उसमें रिबिट लगते हैं, उसके दरवाजों में रिबिट लगते हैं, और जो हमारे कारीगर भाई है उनको इसका यूज खबर है कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन दोस्तों ये आज के ज़माने के टूल है, और अगर आपने इतना स्पेशलाइजेशन कर लिया तो आपकी काम की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, आपको कॉस्टिंग कम पड़ेगी, क्योंकि आपका दिन जो है वो एक दिन में आप 5 दिन का काम कर लेंगे दोस्तों। ओके, और इसी तरह के हैंड नट टूल्स है, इसका बहुत ही डिमांड है हमारे पास। ये हैंड नट टूल जो नट मारते ना जी, बहुत जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अंदर इस टाइप का एक बार पास से लाके दिखा दो। ये हैंड नट टूल से ये सब वेल्डिंग वाले को लगता है और जितना भी काम करता है ना उसको लगता है। ये इसी तरह देखो, आप ये जब मारोगे तो इसी तरह हो जाएगा। अभी वो लोग बेचारे क्या करते कि आप बोल्ट मारते हैं यहाँ पे और फिर वेल्डिंग करके उसको टाइका मारते हैं। बराबर। अभी ये कैसे लगेगा ये अभी मैंने यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। ये अभी 6 mm का यहाँ पे डाल दिया मैंने, ठीक है जी। अभी इसको ये अंदर लगा दिया हमने, पहले मैं इसको चला देता हूँ। एक मिनट स्टॉप कर दो ना, QRC मार दो। उसको कहो इंजेक्शन लगवा ले डिकनेस का, धनुर का इंजेक्शन लगा ले। यार डाल भी दूंगा भाई। यहाँ पे इस तरह का टूल लग जाएगा। ये फैब्रिकेशन वाला वेल्डिंग वाले पहले क्या करते, यहाँ पे बोल्ट लगाते हैं, फिर उसको वेल्डिंग से टाका मारते, फिर नट बोल्ट टाइट करते हैं। अभी इसके अंदर टाका वेल्डिंग मारने को जरूरत नहीं है, आपको दो चीज ज्वाइन करना है। यहाँ पे लगा दिया हमने ऐसे, अभी मैं इसको टाइट करूंगा ऐसे ऊपर, ये नीचे बोल्ट लग गया, देखो ये लग चुका है ना यहाँ पे। बहुत बढ़िया, यानी दो मेटल की शीट है जी, या जॉइंट मारने के लिए ये चीज का इस्तेमाल होता है। ये रिपीट है, आपको ऐसे मार के दिखा दो उसका नट की तरफ से। एक नट और एक मार के ऐसे लाइव मार के दिखा, ऐसे लगा दिया आपने। अच्छा, इसका आउटर लुक देख लेते, देख लीजिए आप। मैंने देखो पूरा पिचक गया, यहाँ से पिचक गया, ठीक है। समझ इसको खोलना है मेरे को, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से पकड़ूंगा तो खुल जाएगा। बराबर, समझ गया, ठीक है। ये दो लेयर को कनेक्ट कर देगा जी। ये अभी आपको एक खोलना होगा तो किसी चीज में फंसा हुआ तो ऑर्जिनली खुल भी जाएगा और टाइट भी हो जाएगा, ठीक है जी। अभी इसी तरह दूसरा आइडिया में न्यूमेटिक में वो भी दिखा देता हूँ आपको। कट कर।